पटना के खगड़िया के परबत्ता विधानसभा से एक युवक पर जदयू के तीर निशान पर वोट डालने की वजह से हमला कर दिया गया। हमला करने का आरोप महागठबंधन के नेताओं पर लग रहा है। युवक के अनुसार प्रत्याशी के वोट कहां गिराओगे के जवाब में जब उसने जवाब तीर का दिया तो उस पर पत्थर से हमला कर दिया गया जिसमें उसकी नाक पर चोट लगी है। इसी तरह की घटना फतुहा में सामने आई है। यहाँ भी सोनारू गांव के एक बूथ पर वोटिंग करने गए लोगों को लालटेन के निशान पर वोट न डालने की वजह से मारा पीटा गया है। वहीं बताया तो ये भी जा रहा है कि बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र के बखरी बाजार में वोटिंग शुरू होने में देरी पर हंगामा कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मामला कन्या पाठशाला बूथ का है जहाँ मतदान में विलम्ब होने पर पोलिंग पार्टियों के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे थे। विधि व्यवस्था बिगड़ती देख पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन मामला बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर फतुहा विधानसभा क्षेत्र के सोनारू गांव के बूथ नंबर 185 पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। वहां कुछ लोगों की पिटाई कर दी गई। मार खाए लोगों का आरोप है कि लालटेन छाप पर वोट नहीं देने पर गुंडों ने उनकी पिटाई कर दी और कपड़े फाड़ दिए। खैर अभी आरोपों को लेकर जाँच जारी है। वास्तविकता क्या है पुलिस इसकी जाँच कर रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।